हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं आप लोगों को एक रेस्परेटरी प्रॉब्लम जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं तो ये यह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गाय है किस तरह से रेस्परेटरी डिफ़िकल्टी में है और इसकी अगर आप रीब्स का मूवमेंट मुण, देखेंगे एबडमनल मूवमेंट देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे इसके लंग्स में जगह ही नहीं है और सांस लेना इसके लिए मुश्किल सा हो गया है तो इस तरह की बीमारी आजकल कॉमन हो गई है जैसे जैसे मौसम बदल रहा है बीमारियों का भी ट्रेंड बदल रहा है और ये इसमें एपेटाइट वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहता है सिर्फ और सिर्फ सांस लेने में इस तरह से साइलो पेंटिंग करती है और ये जो प्रॉब्लम है माइकोप्लाज्मोसिस के लिए सस्पेक्ट किया जाता है इसमें आपको बहुत दूर से भी साउंड सुनाई देता है बाकी की कोई भी सिस्टमिक मेजर रिएक्शंस नहीं मिलते हैं तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है आजकल बहुत देखने को मिल रहा है फील्ड से भी मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं लोग और मुझे भी यहाँ देखने को मिलता है तो इस पर हम लोग आज विशेष चर्चा करने वाले हैं इसका ट्रीटमेंट क्या करना है और इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है ताकि हम लोग बेहतर ट्रीटमेंट अप्रोच ले सकें और जानवरों की जान बचाएँ अगर टिपिकल माइकोप्लाज्मा निमोनिया की बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा को अगर हम लोग स्पेसिस में डिवाइड करेंगे तो माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस दो हैं जो ने जनरली कैटल्स में निमोनिया कराते हैं अगर वोविस रहता है तो ये कम सीरियस होता है बट ये जनरली जो माइक्रोप्लाज्मा बोविस है ये काप्स को टारगेट करता है और इसके आउटब्रेक भी होते हैं तो काप्स में ये कॉमन है अगर माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया होगा तो उसमें साथ साथ में आपको अर्थराइटिस भी होती है ज्वाइंट में स्वेलिंग आती है टीनोसाइनोवाइटिस होती है कभी कभी आपको काप्स हेड टिल्ट करता हुआ भी देखता है क्योंकि वो ओटाइटिस भी करता है लेकिन माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा माइक्वाइटिस जो है जो सी करता है कंटेजियस बोवाइन प्लेरोमोनिया करता है वो एक सीरियस सिचुएसन होता है और वहाँ पे डिफ़िकल्ट है ट्रीटमेंट करना और एनिमल के सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं तो अगर आप माइको निमोनिया के लिए सस्पेक्ट कर रहे हैं तो टिपिकली आपको पहला जो चीज़ देखने को मिलता है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है सेलो रिस्परेशन होता है एनिमल जो है एकदम एबडामिनल रिस्पेरेशन करता है अपने कंधे को एकदम हटा के रखता है ताकि थोरेक्स में उसको स्पेस मिल सके और पूरा का पूरा लंग जो है वो कंसोलिडेटेड हो जाता है जो लंग का पार्ट अफेक्टेड होता है फुल्ली कंसोलिडेटेड हो जाता है उसमें हवा जाती ही नहीं है तो एक तरह से चोकिंग सी होती है इसमें आपको डिफरेंट ऑर्गन्स में या सिस्टेमिक साइंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल सकते हैं माइल्ड टेम्परेचर इनिशियली हाई रहता है 103 तक रहता है वो भी में खास करके लेकिन कभी कभार आप देखेंगे कि जो माइको माइकवाइडी है जहाँ सी होता है वहाँ पे टेम्परेचर 106 तक भी चला जाता है लेकिन कुछ ही दिनों में वो रिजॉल्व हो जाता है यानी सिस्टेमिक साइंस कम आते हैं सिर्फ और सिर्फ रेस्परेटरी डिस्ट्रेस मिलता है और अल्टीमेटली दूर से आप रेस्पिरेशन के साउंड को सुन सकते हैं तो इस तरह के अगर आपको लक्षण मिलते हैं और बाकी का जो उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ऑनर बताता है कि जानवर जो है चारा भी खा रहा है गोबर भी कर रहा है पानी भी पी रहा है सब कुछ लगभग नॉर्मल है लेकिन इसको सांस लेने में खाली दिक्कत हो गई तो आपको वहाँ पर माइको के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए तो माइको अगर आपने सस्पेक्ट कर लिया है या डिफ्रेंसीट किया है बाकी चीज़ों से जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा जो गायें थी जिनको हमने आपके सामने प्रेजेंट किया जो माइकोप्लाज्मा के लिए सस्पेक्टेड हैं उस तरह के सिम्टम अगर आपको आते हैं तो फिर आपको ट्रीटमेंट क्या करना है ये इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रोप्लाज्मा एक्चुअली ऐसा ना तो बैक्टीरिया है ना ही वायरस है तो इसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है बट वो एंटीबायोटिक्स जो सेलवाल पे काम करते हैं बैक्टीरियल सेलवाल को टारगेट करते हैं वो बिल्कुल ही इसमें काम नहीं करते हैं यानी कि बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं सिफेलोस्परीन जो होता है जैसे सिप्टोवर हो गया या आप सेप्ट्रैक्जन हो गया या अमोक्सीलिन हो गया इस ग्रुप के एंटीबायोटिक जो सेल वॉल पे काम करते हैं ये किसी भी काम के माइकोप्लाज्मा में नहीं होते हैं कहने का मतलब ये है कि ये एंटीबायोटिक आप यूज करेंगे तो कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होना है ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रो होता है इसमें सेलवाल होता ही नहीं है तो जब सेलवाल ही नहीं है तो इस तरह का एंटीबायोटिक टारगेट में आप लेंगे ट्रीटमेंट में तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है माइको के लिए अगर कहा जाए तो ड्रग ऑफ च्वाइस अगर कहें तो टाइलोसिन होता है और टाइलोसिन हर जगह पे अवेलेबल नहीं है टाइलोसिन आपको इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है एवरी ट्वेल्व आवर पे देना होता है इसी का एक सिंथेटिक पार्ट आता है जिसे टिल्मिकोसिन कहा जाता है तो टिलमिकोसिन लॉन्ग एक्टिंग है ये अच्छा ऑप्शन है आप टिलमिकोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन टिल्मिकोसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं उसको भी आपको जान लेना चाहिए जो टिलमिकोसिन है इसको अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है अगर लैक्टेटिंग एनिमल में आप देते हैं तो मिल्क का विड्रॉल होता है कुछ दिनों तक मिल्क को इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए क्योंकि देते ही ये मिल्क में आता है और मिल्क भी कड़वा हो जाता है तो ऑनर रिपोर्ट करने लगता है कि इसका दूध जो है वो कड़वा हो गया है लेकिन उसको फिर से छः सात दिन के अंदर फिर से नॉर्मल हो जाता है तो कम से कम सात दिन तक उसका दूध जो है वो इस्तेमाल में नहीं लेना होता है एक चीज और अगर आप गलती से भी इसे इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं कभी कभी लोग लो कहते हैं कि सबकट लगाया है फिर भी वहाँ सेलुलाइटिस होता है स्वेलिंग होता है और काफ़ी बड़ा स्वेलिंग हो जाता है तो इस तरह के स्वेलिंग आते हैं तो आप वहाँ पे बर्फ से सिाई करें दो तीन दिन तक वेट करें धीरे धीरे वो स्वेलिंग चला जाता है इन्फेक्सियस में कन्वर्ट नहीं होता है तो ये तो टिलमिकोसिन के ड्रॉबैक हैं बाकी ये जो एंटीबायोटिक है माइकोप्लाज्मा के लिए बहुत ही कारगर है और इसका फायदा ये है कि आप 72 टू आवर्स पे इसको रिपीट करते हैं आपको बार बार रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा और ये मार्केट में थोड़ा सस्ता भी है सस्ता होने के चलते और इसका रिपीटेशन 72 टू आवर्स के टाइम पे है इसलिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आपके यहाँ टिलमिकोसिन अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे आप फ्लोरोकिनोलॉन खास करके इंरोफ्लोक्सासिन या डोनाफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इन्ड्रोफ्लोक्सासिन आपको डेली देना पड़ेगा कम से कम 12 दिन तक देना होता है 12 डेज तक अगर आप माइक्रोप्लाज्मा का इंड्रोफ्लोक्सासन के साथ 12 टू 14 डेज करते हैं अगर करते हैं तब जाके कहीं उसमें रिकवरी होती है तो इसके अलावे इंडिया में तो अभी दूसरे एंटीबायोटिक जो नए बने हैं माइक्रोप्लाज्मा के लिए वो अवेलेबल नहीं हैं दूसरे कंट्री में और भी एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं तो एंटीबायोटिक में आप फ्लोरोक्विनोलोन और साथ में या कम्बिनेसन में या अकेले आप टमिकोसिन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा इसी तरह से कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देना होगा आपको एक तो मैं जैसे कह रहा था कि जो टिशू है बिल्कुल ही फाइब्रोज हो जाता है उस पर फाइब्रीन का लेयर जम जाता है लंग पे तो उसको मैनेज करने के लिए आप प्रोटियोलाइटिक इंजाम्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी फास्ट हो जाता है लंग्स में उसको इम्प्रूवमेंट जल्दी मिलता है साथ ही साथ आप नेसाइड्स का यूज कर लें नेसाइड्स में आप फ्लोनिक्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लोनिक्जिन आप तीन दिन तक उसमें दे सकते हैं जिससे थोड़ा सा इन्फ्लामेटरी जो चेंजेज होंगे उनमें रिलीफ मिलेगा म्यूकस अगर प्लग हो रहा है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप म्यूकोलाइटिक एजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट्स में सिस्टीन आता है एनासिटाइल सिस्टीन वेटनरी में अवेलेबल नहीं है तो इसके टैबलेट्स आते हैं जिनको पानी में घोल करके दिया जाता है उनका इस्तेमाल आप कैटल में भी कर सकते हैं एनासीटाइल सिस्टीन इंट्रावेनस भी अवेलेबल है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो मिकोलाइटिक की तरह काम करता है और लंग में जो कफ जमा है उसको तोड़ता है और रिलीफ कराने में मदद कर सकता है एनेसिटाइल सिस्टीन आपको एंटीऑक्सीडेंट की भी तरह काम करता है तो लंग टिश्यू में अगर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर रहेगा तो वहाँ पर रिकवरी के रेटे रेट जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं इसी तरह से एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई और सिलेनियम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ई सिलेनियम का इंजेक्टेबल आता है इसको आप सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं और इसका जो रिपीटिशन है सात से दस दिन में आप इसको रिपीट कर सकते हैं लेकिन एक शॉट भी अगर आपने दिया तो लंग टिश्यू को स्टेबलाइज करने में विटामिन ई e सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल होता है तो वो वहाँ पे हेल्पफुल होगा थोड़ा सा एलर्जिक ना रहे इसके लिए आप सी का इस्तेमाल करें सी देने से तीन से पाँच दिन तक आप सी देंगे तो लंग जो है वहाँ पर इन्फ्लामेटरी चेंजेज साथ साथ वहाँ एंटी एलर्जिक की तरह भी वो काम करता है और वो लंग को हीलिंग में फास्ट कराने में मदद करता है तो इस तरह से अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो माइको से होने वाले निमोनिया से ग्रसित जानवर का जान बचा सकते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को माइको के निमोनिया को समझने में और उसका बेहतर ट्रीटमेंट अप्रोच लेने में ज़रूर मदद करेगा तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक अब अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद नमस्कार